सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। दोस्तों ये है मुस्कान की ताकत। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत करो। जो आप दूसरों की सोशल मीडिया देखकर प्रभावित होते हो वो केवल उनकी जिंदगी की लाइमलाइट से, असल जिंदगी कुछ और ही होती है। आज का पंचांग 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:54 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:18-1:01 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:24-4:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। तुला राशि 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको उसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगी। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्रित करने में सावधान रहें। अभी आप अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से उत्साहित महसूस कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक यात्रा या उच्च शिक्षा नए अवसरों को पाने का मार्ग हो सकती है। आप अभी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहते हैं, इसीलिए अपने सलाहकार के पास जाएं जो आपको अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करे। रोमांस के लिए समय निकालें और स्पेशल व्यक्ति को यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। उन चीजों को छोड़ दें जो सच नहीं है या आपके लिए काम नहीं कर रही है और आपके अच्छे भाग्य में बाधा बन रही है। जहाँ तक आपके भावनात्मक पहलू की बात है तो प्रेम की शारीरिक विशेषताएं प्यार के आपकी परिभाषा को नियंत्रित करती है। जुनून शिक्षा और अंतरंगता आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। आप ऊर्जा से भरपूर हैं व प्यार और हंसी आपकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। आप अपने धन का सही इस्तेमाल करती हैं। इस समय आप अपने जीवन के सच्चे बॉस है जो हर पल का मजा ले रहा है और खुलकर भी जी रहा है। जुनून विनोद और उल्लासपूर्ण स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहता है और कभी कम नहीं होता। काम के बीच बीच में थोड़ा आराम करें और देर रात तक काम ना करें। जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन रोशन करें। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुरा कर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंस कर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। आज आप फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें संजो सकते हैं। अपने कैमरे का सदुपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। आज कोई व्यक्तिगत समस्या हल होने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास भी और अधिक बढ़ेगा। किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है और ऐसा करके आपको बाद में खुशी ही मिलेगी। किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव पर ध्यान दें और उनसे मिली सीख के अनुसार काम करें। किसी व्यक्ति से जुड़ी नाराजगी दूर करें। काम की गति अपेक्षा के अनुसार न होने से बेचैनी रहेगी, लेकिन पैसों से संबंधित कोई चिंता या समस्या नहीं होगी। नए काम से ज्यादा जो काम आपको मिला हुआ है उस पर भी ध्यान देते रहें। अपनी बातों में उलझे रहने से पार्टनर को अकेलापन महसूस हो सकता है। लो शुगर और बीपी के कारण तकलीफ हो सकती है। सावधानियाँ, बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसीलिए आपस में ही बैठकर वार्तालाप से समाधान निकालें। कुछ अनावश्यक खर्चों की वजह से तनाव की स्थिति बनेगी। थोड़ा सावधानी से काम लेने की जरूरत है। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का अमल करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं।
हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपने संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। आज नए अवसर प्राप्त होंगे। आज कोई रिश्ता या कार्य समाप्त हो सकता है, लेकिन इसके स्थान पर कुछ नया आपके उत्साह का कारण बनेगा। मनोरंजन के लिए समय निकालें और अगर आप सक्षम हैं तो किसी यात्रा का मजा लें। इससे आप किसी ऐसे खास व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो सच में आपकी रचनात्मकता और समझदारी की प्रशंसा करे, और आपको आपका परफेक्ट मैच भी मिल सकता है। इस समय आप अपने जीवन में रोमांस और आनंद की भावनाओं की तलाश में हैं। ध्यान रहे, जब रोमांस नए विकल्प उत्पन्न होती है तो तुरंत उसका फायदा उठा लेना चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि अपने जुनून का पीछा करना एक खुश आत्मा को अधिक प्रकाशित कर देता है। आप प्यार की उत्तेजना और उत्साह के माध्यम से अपनी परेशान भावनाओं को दूर करने में सक्षम हैं। जीवन जीने की अनजान शैली आपके जीवन को सुख से भर देगी। एक अच्छे दोस्ती, रोमांटिक रिश्ता और मेहमानों पर ध्यान देना भी जीवन को आकर्षित बनाता है। खुशियों के दिन आसानी से नहीं मिलते, दिल खोलकर जिए। हालांकि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से जीवन को प्यार करने का यह सबसे सकारात्मक तरीका है। बात करते हैं करियर की। ऑफिस के राजनीति के परिणाम स्वरूप होने वाली व्यावसायिक परेशानियों से आपकी यात्रा की योजनाओं में देरी हो सकती है। इस समय अपने जीवन से किसी खास कनेक्शन को जाने दें और नए रिश्ते के अंत के लिए तैयार रहें। हालांकि यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा करियर इससे बदल जाए। अपने अध्यापक या गुरु के साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको नए आध्यात्मिक या शैक्षणिक दृष्टिकोण से जोड़ सकती है। किसी चोरी या चोट से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधान रहें। धन के आगमन के कारण आपके उत्साह को पंख मिलेगी। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास कितना धन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास भाग्य का मजा लेने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य ही नहीं है। सब जानते हैं कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं और आपकी कड़ी मेहनत हमेशा आपको लाभ दिलाती है। अभी जो भी अच्छे फल आप प्राप्त कर रही हैं, वो आपकी किस्मत के कारण नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण है। आप कुछ दिनों से निर्णय भी नहीं ले पा रहे थे, जिसका असर आपके व्यवहार में भी झलक रहा था, पर ये समय ये सब बातें छोड़कर कुछ कर दिखाने का समय है और साथ ही साथ अपने इस व्यवहार को बदलने का भी। आप बिना भयभीत हुए निर्णय ले जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित हो। बात करते हैं सेहत की। आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है, आप चलता की मूड में है। तनाव रहित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। अति ना करें, आनंद ले, परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला दिन आपके लिए काम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। आज का उपाय। आज हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।